अज एक बहुत दुखदाई ते अफसोसजनक घटना हुई है जिस साडे अज दो पंजाब पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी निभाते हुए इतने ऑन रोड शहीद हुए ने एक्सीडेंट के विच। इंसीडेंट इस तरह से भी अज सवेरे करीब 3:30-4 बजे आर्मी की कॉनवाई आ रही थी, उस आर्मी की कॉनवाई में एक बस ने हिट करता। किड़ी जगह नबीपुर जिहड़ा हैगा सरहंद पुलिस स्टेशन के नेड़े एक नबीपुर चौंकी है वो नैशनल हाईवे के उपर वो तफतीश जो आर्मी हेड आर्मी ने सूचित किया एक्सीडेंट के मुतलक तो साड़ी एक पुलिस टीम इतों साढ़े चौंकी इंचार्ज के नाल उन्होंने टीम मौके पर गई। मौके पर जाके जिहड़े ASI साढ़े शहीद होए ने नाजर सिंह उन्होंने मौके को प्रजर्व करते हुए कोन्स वगैरह लवा लिया सी बस के पिछे कोन्स लगवा के ट्रैफिक डिवर्ट करने वास्ते सिकंदर सिंह साडा सीनियर कॉन्सटेबल उहदी ड्यूटी लाई सी वो ट्रैफिक नूं स्लो करके डिवर्ट करावे ते वो इस दी कार्रवाई कर रहे सी जिहड़ी बस दा ते आर्मी दे वहीकल दा एक्सीडेंट होया सी उहदे मतलब कार्रवाई कर रहे सी। इस समय दौरान एक सरहंद इधरों राजपुरा साइड तो बड़ी तेज़ रफ्तारी नाल ट्रक आया, उस ट्रक को साडे सीनियर कॉन्सटेबल ने रुकण दा इशारा भी किया, कोन्स भी दिखाइया उहनूं इंडीकेट भी किया स्लो करे, पर स्लो करन दी बजाए उन्हें पूरी स्पीड ते लिया के ट्रक नूं उस बस दे पिछों मारिया। जदों बस दे पिछों ट्रक लग्गिया तां जिहड़े बस दे अगे साडे दो जवान कार्रवाई कर रहे सी अपनी ड्यूटी निभा रहे सी वो बस दे नीचे आउण करके शहीद होए ने। की नाम ने कित्थे दे ASI नाजर सिंह ते साडे पंजाब होमगार्ड दे कुलदीप सिंह ने, ये लोकल डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब दे रहण वाले। और मैं तुहानूं एक दसना चाहुंदा कि ये पंजाब पुलिस वास्ते बहुत ही अफसोसजनक ते दुख वाली घटना है ते साड़ी पूरी पंजाब पुलिस उन्हां दे नाल डट के खड़ी है, असी कानून मुताबक कार्रवाई कर रहे हैं ते उन्हां दे परिवारां दा असी पूरी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए असी उन्हां दा टेक केयर करांगे। कौन कौन जख्मी हुए ने इहदे विच? इहदे च जिहड़ा पहला एक्सीडेंट तुहानूं मैं दस्सिया भी दो इंसीडेंट होए ने, जिहड़ा पहला एक्सीडेंट होया जिहदे च बस ने हिट कीता सी आर्मी वहीकल नूं, उहदे च साडे आर्मी दे भी चार जवान इंजर्ड होए ने, उन्हां चों कॉन्सटेबल चौहान विशाल, कॉन्सटेबल विजय, कॉन्सटेबल शिखला राम ते कॉन्सटेबल सिधांशु वो इंजर्ड होए ने। सानू उन्हां दा भी बहुत अफसोस है, साडी हिंदुस्तान आर्मी दे जवान अपनी ड्यूटी निभाउंदे हुए एक रोड दे उपर इंजर्ड होए ने, असी उन्हां दी भी टेक केयर कर रहे हैं। आर्मी तो कर्नल साहब ते उन्हां दे होर सीनियर ऑफिसर इत्थे आए हुए ने ते पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बस दा चालक भी कोई जख्मी होया? जिहड़ी बस हिट हुई सी बस नूं चला रहा सी जिहड़ा बस ड्राइवर रणजीत सिंह वो भी इंजर्ड होया, क्योंकि वह बस के बैठा से जो पिछे ट्रक वजे वह भी इंजर्ड होया, वो सिविल हॉस्पिटल दाखिल है। जिहड़ा ट्रक चला रहा सी बंदा सी आइडेंटिफाई कर लिया, ये साजिद सानव जाहिद है बुलंदशहर तो, असी इन्हों आइडेंटिफाई कर लिया तो वह मौका तो फरार होया है ते साड़ियां पुलिस टीम्स उन्हों फड़न गईयां ते असी हर हीले वसीले उन्हों राउंड अप करांगे ते उहदे खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ये कित्थे दा रहण वाला सी साजिद? ये बुलंदशहर UP का। ओके ते असी इहदे च मैं तुहानूं एक होर दस दिया, असी इहदे च अंडर सैक्शन 304 परचा दर्ज कर रहे हैं, 304 धारा 279-337-427 IPC च असी केस रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। साडा जवान इंडीकेट कर रहा है, उन्हें प्रॉपर जाबते अनुसार उत्थे ट्रैफिक कोन्स लाए हुए ने, ट्रक ड्राइवर ने देख ही लिया एक्सीडेंट होया है, उन्हें देखते हुए जानबूझ के बस के मार के साडे जवान शहीद। किदे खिलाफ़ मामला दर्ज होया? मामला साजिद अली देख ला, इस दो अक्यूज़ ने, एक तो पहला अक्यूज़ है जिन्हें बस साढ़े आर्मी जवानों की गड्डी हिट की है वो तो एक्सीडेंट दियाँ सैक्शन लाइया ने, तो जिहड़ा साजिद है साजिद ने ट्रक पिछों मार के बस के मार के साडे जवान शहीद किए हैं, वो खिलाफ़ 304 IPC केस रजिस्टर किए।